assalamualaikum सर वेलकम टू द शो जी वैक्म अजाल सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग us योर टाइम अच्छा सर आपने अपना स्टार्ट किया टाट के स्कूल से आप पढ़े टाट के स्कूल में पढ़ने के बाद आपने किंग एडवर्ड कॉलेज से एम किया एम भी किया लेकिन फिर आपने वो medicine का शोबा भी छोड़ दिया और फिर आप सी की तरफ गए और सी में माशाल्लाह आपने पूरा पाकिस्तान में टॉप किया तो सर इस पूरी जर्नी में सर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी क्या था क्योंकि फिर आपने सी एस एस में टॉप करने के बाद भी जब आप सी एस पी ऑफिसर भी बन गए थे फिर आपने उस सब को छोड़ के भी फिलंथ्रोपी की तरफ जाने का फैसला किया तो सर इस सारे सफ़र में थाट प्रोसेस क्या था <laughs> बड़े जल्दी आपने बहुत सारे सवाल कर दिया सर <laughs> तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि काबे की है हवस कभी कुए बुता की है मुझको नहीं खबर मेरी मट्टी कहाँ की है बेशक सर तो आपका जो हासिल कलाम तो यही है जी जी बट ऐसा नहीं है आ, मैंने जो किया वो एक रास्ता है वो एक मंजिल पर पहुँचता है तो वो उस मंजिल पर पहुँचने के इंसान कई रास्ते देखता है फिर अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा रास्ता मंतखब करना है तो दर हकीकत यह है कि तमाम रास्ते जो हैं वो इंसानी अजमत और इंसानियत की भलाई की तरफ जाते हैं अगर आप नकनीति से खलूस के साथ कोई भी शबा इख्तियार करें ज़िंदगी का कोई भी पेशा इख्तियार करें कोई भी काम करें तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो ऐसा ही है ना कि एक खूबसूरत माशरे की तश्ील तो उसके लिए रास्ते मुख्तल हो सकते हैं कोई डॉक्टर बनता है कोई सिविल सर्विस में जाता है कोई दानश्वर है कोई किताब लिखता है कोई अपनी शायरी से इनकलाब बरपा करता है कोई लोगों की खिदमत करता है कोई हस्पताल बनाता है इस्कूल खोलता है तो ये मुख्तलफ रास्ते हैं अब इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो ये देखे कि वो कौन से रास्ते का अहल है यानी उसकी सलाहियतें किस हमत के लिए अलाइंड हैं मैं अगर मुशवर बनना चाहता हूँ और मैं बैंक में जा कर नौकरी करना शुरू कर दूँ तो वो तजाद आ जाएगा तो मैंने वक्त के साथ साथ ये जानचा कि मेरी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार न तो ए, मेडिसिन के शुभा में होगा ना ही सिविल सर्विस में होगा मुझे लोगों के पास बैठना अच्छा लगता है मुझे देहातों में जाना अच्छा लगता है मुझे टूटी फूटी बस्तियों में छोटे छोटे घरों में जहाँ लोग मादी तौर पर गरीब हैं लेकिन दिल के गरीब नहीं हैं वो मुश्किल के बावजूद हंसते हैं वो उम्मीद का दिया रोशन रखते हैं उनकी आँखों में मोहब्बत की चमक है और अखलास है तो वो मुझे लोग अच्छे लगते हैं तो मैंने कहा कि उनके साथ मिलकर एक खूबसूरत दुनिया की तश्कील का ख्वाब देखते हैं और फिर वो ख़्वाब भी देखा और फिर उसकी तबीर के लिए भी उन्हीं के तवस्त से आगे बढ़ने का फ़ैसला किया तो ये कोई तजाद नहीं है ये दरअसल सही रास्ते की तलाश है अब एक दरिया है वो अपना रुख बदलता है लेकिन उसका वजूद बरकरार रहता है तो ये ऐसे ही है तो यही रास्ता अच्छा लगा और यही मेरी मिलान तपा या मेरी सोच या मेरी जो आ, सलाहियत थी उसके मुताबिक था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ माशा सर आपने ख्वाब देखा और आप उस ख़्वाब को पूरा करने में लग तो गए लेकिन सर सी एस पी ऑफिसर बनना इस्पेली फ्राम द बेक्राउंड यू कम तो सर वो तो एक इंतहाई बड़ी बात थी थी तो जब आपने वो सब छोड़ के फिलानथ्रोपी की तरफ का रुख किया तो सर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का क्या रिएक्शन था उस पर जी फ्रेंड्स एंड फैमिली का वही रिएक्शन था जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कोई खुश नहीं था चंद लोगों के सिवा लेकिन बात यह ना कि ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक चलना तो नहीं कहते ज़िंदगी को ज़िंदगी की चॉइसेस तो आपकी अपनी हैं बेशक आ, उम्र में क्या कहते हैं वो मुनीर न्याजी के मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया माशा तो उम्र मेरी है तो मुझे ही बसर करने का फ़ैसला करना चाहिए ना दिस इज़ टू एम्पावरमेंट कि मैं क्या करूँ क्योंकि मैंने जब अपने खुदा के हजूर हाजिर होकर अपने ज़िंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है तो मैं वहाँ जाके कर ये तो नहीं कह सकता कि गज़ाल ने मुझे कहा था ये काम करो ये काम ना करो वहाँ तो मैंने ख़ुद को पेश करना है ना किसी बड़ी अदालत में तो मुझे ही अपने अमल का हिसाब देना पड़ेगा तो जो चीज़ मुझे जो फहम और फ़रासत थोड़ी या ज़्यादा क़ाबा ने दी अलहद ला तो मुझे उसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए कि जो कुछ मुझे मिला मैं उसे किस तरीके से उसकी ए, ए, लोगों की ख़िदमत के लिए या उनकी बेहतरी के लिए सर्व करूं तो लोग तो बहुत सी बातें करते हैं आपको पता है लोग बातों पर आप जाएंगे तो फिर आप अपनी मंजिल खोटी करेंगे तो सर इसमें अखबूत फ़ाउंडेशन किस तरह तश्ील पेश आई जी यही है ना अखूबत भी उसी ख़्वाब का एक हिस्सा है आ, मतलब अखबत का विजन क्या है अखूबत का विजन है एक ऐसे माशरे की तशकील जिसमें हर शख्स को इज़्ज़त और आबरू से ज़िंदा रहने का मौका मिले अभी अखूबत की मंजिल है इट गेट्स इंस्पीरेशन फ्राम मबा मदीना नबी पाक सल्ह वसलम की तलीमत से तो फिर जब यह ख़्वाब बना एक विजन सामने आई तो फिर इस विजन को अचीव करने के लिए आप एक हमत अमली बनाते हैं आप स्कूल खोल के भी ये काम कर सकते हैं आप हस्पता खोल के भी ये काम कर सकते हैं आप सिविल सर्विस में रहते हुए भी ऐसा काम कर सकते हैं आप मीडिया में रहते हुए यही काम कर रहे हैं यानी हम सब लोग एक अच्छे माशरे की तश्ील के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो हमने फिर जब मजीद सोचा हमने कहा कि एक ऐसा काम करें जो किसी ने नहीं किया लोगों को कर्जे दें और बग़ैर सूद के दें तो यूँ फिर वत का जो खाब था जो विजन थी उसको एक प्रैक्टिकल शेप मिल गई एक स्ट्रेटी हमत मिल गई एक तर, तरीक़ाकार सामने आ गया कि हम ऐसे माशरे की तश्ल लोगों को फिनैंशियल इनकलूजन के ज़रिए से करेंगे और जो हम फिनैंशल इंक्लूजन यानी फिनैंशियल सर्विसेज़ लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो इस्लामी असूलों के मुताबिक होंगी उसमें सूद नहीं लिया जाएगा इसमें इसार कुर्बानी, मोहब्बत भाईचारा और अपनी ज़ात से बुलंद होकर दूसरों की खदमत की ख्वाहिश तो ये वेस्टर्न नॉलेज कुछ और सिखाता है लेकिन जो डिवाइन गाइडेंस है वो वेस्टर्न नॉलेज से कहीं अफजल है तो डिवाइन गाइडेंस तो यही है ना कि इंसान को ये सोचना है कि मैंने ज़िंदगी क्यों मिली और मुझे इसे कैसे बसर करना है तो वो सारी चीज़ें अखवत तक पहुँचने का रास्ता बनी और अख़ुवत फिर ए, लोगों के दुख और दर्द को दूर करने की कोशिश का रास्ता बनी और वो रास्ता फिर हमें आपके पास